जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो एक भाई ने कमेंट कर रखा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, क्या भाई आपने हाइट सबकी बढ़ाने का ठेका ले रखा है। तो भाई मैं इस भाई को क्या जवाब दूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि मैंने किसी हाइट बढ़ाने का ठेका नहीं ले रखा है, लेकिन जो मैंने अपने टिप्स फॉलो किया, अपनी हाइट जिस तरीके से मैंने बढ़ाई है, मैं चाहता हूँ जिनकी भाइयों की हाइट कम है और वो अपनी हाइट को बढ़ाना चाहते हैं, तो जो मैंने एक्सरसाइजें बताई हैं उन्हीं को मैं एक्सरसाइजें बता रहा हूँ ताकि वो भी अपनी हाइट को बहुत ही जल्दी बढ़ा सकें। दोस्तों, ज्ञान बांटने से कभी ज्ञान कम नहीं होता। इस भाई को मैं कह रहा हूँ कि भाई ज्ञान बांटने से कभी ज्ञान कम नहीं होता। अगर तुम्हारे पास कोई हुनर है, तुम्हारे पास कोई टिप्स है जिसको बताने से दूसरे का भला हो सकता है, तो आप वो ज़रूर शेयर करिए। वैसा ही मैं भी कर रहा हूँ, जिससे मेरा भला हुआ है, जिससे मेरी हाइट इंक्रीज़ हुई है। मेरी खुद वही टिप्स मैं इन भाइयों को बता रहा हूँ जिनकी हाइट कम है। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनकी हाइट बढ़ भी चुकी है, मेरे पास मैसेज भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन इस भाई का मेरे को समझ में नहीं आया इसे क्या प्रॉब्लम है मेरे से, कि भाई क्या आपने हाइट बढ़ाने का ठेका ले रखा है। मतलब कि एक अलग ही बात कर रहा है भाई। अगर आपके पिताजी आपको पढ़ाते लिखाते हैं तो उन्होंने भी आपका ठेका नहीं ले रखा, आपकी लाइफ बनाने में, आपको अच्छे कॉलेज में भेजते हैं, आपकी मतलब कि अच्छे से तैयारी कराते हैं हर चीज़ की, तो उन्होंने भी आपका ठेका नहीं ले रखा है। तो भाई साहब, ठेका कोई किसी का नहीं लेता है। बस इतना सा है कि मैं सोचता हूँ कि मैंने जिस कारण अपनी मतलब कि जैसे मैंने अपनी हाइट बढ़ाई जिन टिप्सों से, वैसे तुम भी अपनी हाइट बढ़ाओ। जो मेरे भाई बहन घंटे कद के हैं वो भी अपने हाइट को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी ही मतलब कि मूर्खता वाली बातें कमेंट्स ना करें। तो दोस्तों, इस भाई को बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ऐसे बेकार कमेंट किसी के वीडियो पर ना करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।